नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल जैफ, लीगल ईगल चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज का जो जजमेंट है एक लैंडमार्क जजमेंट है। इसके अंदर जो पत्नी है उनके पति ने दूसरी शादी भी कर ली और उसको किसी तरह से जायज भी ठहरा दिया। इसके अंदर हुआ क्या था दोस्तों कि बेसिकली क्या है, ये अक्सर सुनने में भी आता है, अक्सर हीरो हीरोइंस भी इसका रास्ता निकाल लेते हैं, ज़्यादातर हमारी सेलिब्रिटीज़ इसका रास्ता निकाल लेते हैं कि वो एक पत्नी के रहते हुए भी दूसरी पत्नी रख लेते हैं और किसी तरह का क्लेम नहीं किया जाता। ज़्यादातर ये सेलिब्रिटीज़ के थ्रू ही दिया गया एक तरीका था। हुआ क्या था इस केस के अंदर कि पति ने क्या किया कि हिंदू था और हिंदुओं में दूसरी पत्नी पहली पत्नी के रहते हुए रखना अपराध है, कानूनन जुर्म है। परंतु मुस्लिम धर्म इससे उलट है, वह ये मानता है कि किसी भी तरह से दूसरी पत्नी आप रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सामाजिक और कानूनी तरीके से उसकी मान्यता है। और अक्सर बिना तलाक किए मुस्लिमों में अक्सर शादी भी कर ली जाती है, तलाक का केस चल रहा होता है फिर भी शादी अक्सर कर लेते हैं पति। इसके अंदर कोई संकोच, कोई किसी तरह की पूछताछ नहीं होती, कोई समस्या नहीं होती। तो अब क्या है कि कुछ चलन इस तरह का चल गया कि लोग हिंदू से मुस्लिम सिर्फ शादी करने के लिए कन्वर्ट हो जाते हैं। तो क्या हो रहा है इस जजमेंट के अंदर, क्या पति को फैसला मिला, क्या पति को फ़ायदा हुआ, ये आज मैं आपको बताऊँगा आज वाले इस जजमेंट के अंदर। इससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हमारा क्रैश कोर्स है जो कि आपको एक फ्रेमवर्क देता है प्रॉपरली आपको समझने के लिए कि क्या आपको करना चाहिए, कैसे करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, वो भी ज़रूरी है। तो आपके केसेस की एक पूरे ब्लूप्रिंट तैयार करने में आपको मदद देता है और एक स्टैंडर्ड लाइन आपको दे देता है जिसकी वजह से आपको हर स्ट्रैटेजी बनती चली जाती है आपकी और थोड़ा ईजी हो जाता है, जिगजैग सा नहीं रहता, फैली फैली सी बिखरी बिखरी सी आपकी नॉलेज नहीं रहती। तो इस कोर्स को अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो 3,050 रुपये का एक कोर्स है। आप व्हाट्सएप पे बकायदा इसके बारे में क्वारी के लिए डिटेल मांग सकते हैं और उसके बाद संतुष्ट होने पर आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा सबसे ज़रूरी चीज़ है मेन कोर्स। मेन कोर्स जो होता है वो इंडिविजुअली आपके ही केस के हिसाब से हमारे एक्सपर्ट का पैनल जो है उसको डिज़ाइन करता है और वक्त के साथ आपको असिस्टेंस भी हम लोग देते रहते हैं। ये पूरा कोर्स आपके केसेस को ध्यान में रख के आपकी केस की स्ट्रेटजी के हिसाब से डिज़ाइन होता है। इसमें दोनों फायदे हैं, आप वकील के रहते हुए अपने केस के बारे में पूरे ट्रांसपेरेंट हो जाते हैं और अपने केस में तेज़ी से लड़ते हैं और बिना वकील भी आप पार्टी इन पर्सन इस केस को लड़ सकते हैं। ज़रूरी तौर पर अगर आपको कभी लगता है कि बहुत ज़रूरी है कोर्सेज के अलावा तो आपको आप मुझसे अपॉइंटमेंट लेके बात कर सकते हैं। कोई इंस्टेंट आपका सवाल है आपके केस के रिगार्डिंग तो वहाँ आप बात कर सकते हैं। डिटेल में आपको वहाँ पर जो है बात करने के लिए पहले अपॉइंटमेंट बुक कराना होगा व्हाट्सएप पे मैसेज डाल के, और अगर आप डायरेक्ट कॉल करेंगे तो फ़ोन काट दिया जाएगा। अगर आपका अपॉइंटमेंट नहीं है, हम ही आपको कॉल करते हैं, तो प्लीज़ वहाँ कॉल ना करें, सिर्फ अपना मैसेज डालें और बकायदा संदर्भ दें कि आपको अपॉइंटमेंट लेना है। अदरवाइज़ किसी भी तरह के मैसेजेस के जवाब नहीं दिए जाएंगे अगर अपॉइंटमेंट के अलावा कोई बात की गई तो। दोस्तों मैं आपको बताता हूँ हुआ क्या। पति ने क्या किया, पत्नी से दुखी होकर या किसी और लालच में आकर अपना धर्म परिवर्तन किया और धर्म परिवर्तन करने के बाद यानी कि हिंदू से मुस्लिम में कन्वर्ट होने के बाद उन्होंने एक और शादी कर ली। अब क्योंकि हिंदुओं में ये चीज़ तो नहीं चलती पर मुस्लिम्स जो हैं उनके लिए ये बहुत आसान है इस धर्म में कि आप आसानी से शादी कर लें और आप जाकर अपने जीवन यापन कर सकते हैं, आप पे केस और क्लेम नहीं किया जा सकता। अब पत्नी ने इसके खिलाफ अपील की, तो जब ये अपील की गई तो ये लोअर कोर्ट से हाई कोर्ट तक आई, हाई कोर्ट से फिर सुप्रीम कोर्ट तक चली गई। जब सुप्रीम कोर्ट में गई तो सुप्रीम कोर्ट ने लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। इसमें आधार इस धर्म को बदल देने से नहीं बनता है, पर क्योंकि इसके ऊपर पूरी तरह से कहीं भी किसी भी धर्म के किसी भी कानून के अंदर पूर्णतया कोई भी सहमति या असहमति का भाव नहीं है और 494 से बचने के लिए अक्सर कई लोग इस तरह की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो विधि आयोग को बकायदा सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस पर बकायदा रोशनी डाली जाए और निर्देश जारी किए जाएँ कि इस तरह की जो प्रैक्टिस की जा रही है, इस तरह की कोशिशें जो की जा रही हैं उनको रोका जाए। फिलहाल तो कोई प्रॉपर बात या प्रॉपर निर्णय पर सुप्रीम कोर्ट नहीं आ पाया। तो अगर इस तरह की कोई शादी आप करते हैं धर्म परिवर्तन करके और अगर आपको इस तरह का कोई फ़ायदा मिलता है तो अभी इसमें कोर्ट का संशय बनता है, अभी इसके अंदर प्रॉपर्ली ना रिजेक्शन हो सकता है ना ही उसे माना जा सकता है। पर एक राइट जो है वो आपकी हिंदू पत्नी को हमेशा मिलेगा, वो ये है कि पहली बात तो उससे आपके संबंध ख़त्म नहीं माने जाएंगे, दूसरी बात उनका जो रिश्ता है
उनका जो रिश्ता है वो हिंदू रीति रिवाजों के हिसाब से ही आपके साथ जुड़ा रहेगा, यानी कि आप उनके अधिकारों का हनन नहीं कर सकते, वो आपसे हिंदू विवाह अधिनियम के तहत जितने भी नियम हैं उनके तहत आप पर केस भी कर सकती है और बकायदा आपसे सभी तरह की अपनी ज़रूरतें भी पूरी कर सकती है। दोस्तों, आप एक बात समझ लीजिए, कानून का उपयोग कीजिए, दुरुपयोग मत कीजिए, क्योंकि कोर्ट ने ये बात अच्छी तरह से मान ली थी कि इसमें गलती जो है पूरी तरह से पति की है, क्योंकि उसने ये बात एडमिट की कि मैं जो है शादी के पर्पज़ से ही धर्म परिवर्तन करके बैठा हूँ, तो इसका बेनिफिट उन्हें नहीं मिलने देने की एक वजह बना दी सुप्रीम कोर्ट ने। अगर आप धर्म परिवर्तन सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि आपको किसी दूसरे धर्म में इंटरेस्ट आ गया है, तो भारत संविधान को मानता है और लोकतंत्र में विश्वास करता है, इस वजह से इस देश में ये सब चीज़ें संभव हैं। परंतु अगर आपका सिर्फ उद्देश्य शादी करना है, तो ये भी समझ लीजिए कि मुस्लिम्स में दूसरी शादी के अंदर ये बात नहीं है कि आप दूसरी शादी सिर्फ अपनी शादी का शौक पूरा करने के लिए करें, बल्कि मुस्लिम धर्म ये कहता है कि अगर आपने शादी किसी दूसरी औरत से की है तो वो उसको आश्रय देना या सहारा देने के लिए होती है। जैसे कई बार कुछ लोगों के पति गुजर जाते हैं या कोई परिस्थितियां ख़राब हो जाती हैं, तो ऐसे टाइम पे ऐसी औरतें जिनकी शादी नहीं हो पा रही है, जिनकी शादियां होकर उनमें किसी तरह की समस्या आ गई है, उनके सपोर्ट के लिए मुस्लिम धर्म में ये व्यवस्था की गई थी, जिसका वो अलग बात है गैरकानूनी तरीके से कई जगह फ़ायदा भी उठाया जा रहा है। दोस्तों, आज का वीडियो कैसा लगा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और मैं आपसे निवेदन करूँगा कि आप जो ये कमेंट सेक्शन में आकर मुझे हौसला अफजाई करते हैं, अच्छा लगता है, मैं आपके दिल तक पहुँच पा रहा हूँ, कोशिश करूँगा और ज़्यादा कुछ आपके लिए हमेशा करता रहूँ, बेहतरीन वीडियोज़ बनाता रहूँ, बेहतरीन जजमेंट्स के साथ, बेहतरीन आइडियाज़ के साथ, जिससे कि आपके केस में कहीं ना कहीं मेरी भागीदारी भी छोटी सी एक बन जाए।